तो वहीं मध्य प्रदेश में आज से स्कूल खुलेंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। स्कूल खोलने को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी किया। सबसे पहले स्कूलों में होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। मीटिंग में नहीं पहुंचने वाले लोग शिक्षकों से करेंगे ऑनलाइन बात। तो आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अतुल शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं, किस तरह की गाइडलाइंस लागू की जाएंगी, किस तरह के नियम होंगे जो फॉलो करने होंगे? अतुल, आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं, किस तरह के नियम लागू होंगे, किस तरह की गाइडलाइंस होंगी जो पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी फॉलो करने होंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज से ऋतु लगभग 8 महीने बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, यानी एक बार फिर बच्चे स्कूल पहुंचेंगे और क्लासेस लगेगी और तमाम पढ़ाइयों की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। हालांकि जिस तरीके से हम कह सकते हैं कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल की स्थिति में अगर बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि अभिभावकों को भी इसकी चिंता है कि जिस तरीके से कोविड का एक प्रकोप चल रहा है और लगातार राजधानी की हम बात करें या इंदौर की बात करें तो यहाँ पे बड़ी मात्रा में आंकड़े सामने आ रहे हैं कोविड को लेकर। ऐसे में स्कूल विभाग ने जो गाइडलाइन जारी करी उसमें तमाम वो गाइडलाइन दी गई है जिसमें कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाए कि अगर बच्चा जब पहुंचता है स्कूल तो वहां पर सैनिटाइजर्स का व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही टेम्परेचर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर बच्चे अगर ज्यादा मात्रा में वहां पे है, यानी हम मान के चलते हैं कि आंकड़े के अनुसार अगर एक क्लास के अंदर 60 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अगर उसकी क्षमता कम है तो ऐसे में उसको आधी कर दी जाएगी, यानी 50% कम कर दी जाएगी और उसमें 30 बच्चे एक दिन में क्लास लेंगे और दूसरे दिन में 30 बच्चे क्लास लेंगे, यानी 2 दिन के अंदर और 3 दिन के अंदर इस क्लास को लिया जा सकता है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूल विभाग द्वारा ऋतु आदेश तो निकाल दिए गए हैं, लेकिन अगर हम अभिभावकों की बात करें तो अभिभावक को अभी भी वही चिंता सताई हुई है कि हमारे बच्चे अगर जाते हैं तो कितना सुरक्षित रहेंगे। हालांकि आज पहला दिन है और पेरेंट्स मीट की जाएगी और पेरेंट्स मीटिंग के माध्यम से अभिभावकों को आश्वस्त किया जाएगा स्कूल द्वारा कि अगर आपके बच्चे स्कूल आते हैं तो उनकी पूरी सुरक्षा के साथ तमाम गाइडलाइन का पालन किया जाएगा जिससे बच्चों को संक्रमण से दूर रखा जाए। हालांकि लेकिन ये कह सकते हैं ऋतु, क्योंकि स्कूल विभाग ने ये भी कहा है कि लिखित में देना होगा आपको कि आप भेजना चाहते हैं वाकई में बच्चे को स्कूल, तो आपको लिखित में देना होगा और अगर लिखित में नहीं दे पा रहे ईमेल करना होगा, तो इस तरह की गाइडलाइंस भी रहेंगी। और एक और चीज यहाँ पर थी कि रेगुलर क्लासेस लगेंगी या ऑल्टरनेट डेज लगेंगी या हफ्ते में 2 दिन लगेगी, इस बारे में जानकारी आपसे चाहूंगी। देखिए ऋतु, अगर हम 10वीं और 12वीं की बात करें तो 10वीं और 12वीं की नियमित तौर पे क्लासेस लगेगी और अभिभावकों की तरफ से उनको लिखित में भी दिया जाना जरूरी होगा। लेकिन अगर हम बात करें 9वीं की और 11वीं की बात करें तो इसके अंदर अभी भी सायंस बना हुआ है। ये पूरा जो फैसला है ये स्कूल विभाग ने अपने स्कूल संचालकों पर छोड़ के रखा है कि उनको किस तरीके से क्लास को चलाना है और किस तरीके से सब्जेक्ट को पूरा करना है, क्योंकि एक बड़ा अरसा निकल चुका है ऋतु। दिसंबर माह चल रहा है और आर्थिक अगर हम देखते हैं कि 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा होती है वो फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में होती है और यही दौरान भी होता है जिसमें 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी होती है, यानी कुल मिलाकर पूरा साल बीत चुका है। ऐसे में अगर पढ़ाई के लिए बच्चे आते हैं तो कितना उनके ऊपर दबाव रहेगा और किस तरीके से पढ़ाई की पूरी की जाएगी, ये एक अलग विषय भी है, क्योंकि जिस तरह कोविड का एक विषय चल रहा है इस दौरान अगर 9वीं और 11वीं के बच्चों को लेके भी अभिभावकों को लिखना होगा ऋतु और उनको सहमति भी प्रदान करनी होगी, लेकिन उनकी नियमित क्लास लगती है या नहीं लगती है स्कूल प्रशासन के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन जिस तरीके से स्कूल विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होंगी उसके लिए आज से नियमित क्लासेस लगी जाएंगी और आज 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं जो उनके पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल पहुंचेंगे, अगर जो बच्चे नहीं भी जो अभिभावक नहीं भी पहुंच पा रहे हैं वो ऑनलाइन शिक्षकों से जुड़ेंगे। यानी कुल मिला के ये स्कूल प्रशासन द्वारा ये प्रशस्त किया जाएगा, ये समझाने की कोशिश की जाएगी अभिभावकों की अगर आपके बच्चे स्कूल आते हैं तो हमारी ये सुरक्षा देना, हमारी जो कोविड की जो गाइडलाइन है उसको पालन करना जिम्मेदारी बनती है और इसी को लेकर आज पेरेंट्स मीट भी रखी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी को साझा करने के लिए।